न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, पीएसजे टीवीएस, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, ली बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार कौन? मिठुन या सोनू निगम या फिर जितेंद्र? अटकलों का बाजार गर्म। क्या कांग्रेस उम्मीदवार होंगे मोहम्मद अजरुद्दीन? बाराबंकी में किसने पोस्टर लगाकर मांग की आसनसोल सीट से जितेंद्र तिवारी को मत बनाओ कैंडिडेट? शत्रुघ्न सिन्हा के लिए प्रचार में तृणमूल ने लगाया जोर, अभिजीत घटक बोले हम ही जीतेंगे। तृणमूल छोड़कर कांग्रेस से लड़कर काउंसलर बनने वाले गुलाम सरवर ने कहा 1,00,000 वोट से हारेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। 2,00,000 से ज्यादा वोट से हारेंगे। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, आचार संहिता के बारे में दी जानकारी। आसनसोल लोकसभा केंद्र के उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बॉलीवुड सीने स्टार और शॉर्ट गन शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ बिहारी बाबू को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रविवार की शाम से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह का कयास लगा रहे हैं। इन अटकलों में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ बिहारी बाबू के खिलाफ मिठुन चक्रवर्ती उर्फ बाबू मोशाय को मैदान में उतारेगी, क्योंकि मिठुन चक्रवर्ती भी बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता रहे हैं, बंगला भाषियों का भी पसंदीदा कलाकार है, उनकी छवि भी बंगाली बाबू के रूप में प्रख्यात है। लोगों का कहना है कि बीजेपी मिठुन चक्रवर्ती को अपना उम्मीदवार बनाकर यह संदेश देने का प्रयास करेगी कि यह लड़ाई बाहरी बनाम बंगाल के बेटे के बीच की है, और तब बीजेपी विधानसभा चुनाव में तृणमूल के नारे बंगला निजेर में के चाय की तरह ही बीजेपी अब नारा दे सकती है बंगला निजेर छेले के चाय। लेकिन कुछ सूत्रों की माने तो शारीरिक अवस्था हवाला देते हुए मिठुन चक्रवर्ती आसनसोल से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, हालांकि उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार जरूर किया था। तब ऐसी स्थिति में प्रख्यात गायक सोनू निगम के नाम की भी चर्चा हो रही है। देखना है कि भाजपा किसी सेलिब्रिटी को टिकट देती है या फिर स्थानीय नेता को महत्व देती है। स्थानीय नेता के तौर पर कुछ लोग पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर यह भी एक चर्चा चल रही है कि आसनसोल उपचुनाव को बीजेपी स्थानीय स्तर पर लड़ना चाहती है, यानी किसी बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में आसनसोल में फिलहाल तृणमूल कांग्रेस और उनके नामचीन सेलिब्रिटी उम्मीदवार को कौन टक्कर देगा? तो सबसे पहले नाम जितेंद्र तिवारी का ही उभर कर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को कोलकाता में बीजेपी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जितेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द बीजेपी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, ताकि जोर शोर से पार्टी प्रचार में उतर सके। अब देखना है कि बीजेपी तृणमूल के देश भर में विख्यात सितारे उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जितेंद्र तिवारी को ही उम्मीदवार बनाती है या किसी और को। तृणमूल के शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के नामों के अलावा आसनसोल उपचुनाव में एक और ट्विस्ट जुड़ गया है, और वह है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम। चर्चा है कि कांग्रेस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन को अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि अजरुद्दीन भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे एक समय कांग्रेस के सांसद रहे भी थे। हाल ये सभी अटकलें हैं। कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद बीजेपी और कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी, तब समझ में आएगा कि आसनसोल उपचुनाव में किन उम्मीदवारों में कितना घमासान होने जा रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल लोकसभा केंद्र से अपनी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसी बीच एक पोस्टर ने सियासत को गर्मा दिया। यह पोस्टर बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के एक प्रखंड में लगाया गया है, जिसमें राज्य भाजपा के अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार से यह गुहार लगाते हुए लिखा गया है कि पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी जब से भाजपा में आए हैं, तब से भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए जितेंद्र तिवारी को टिकट नहीं दिया जाए। यह आवेदन कथित रूप से बीजेपी बंगला भाषा भाषी कार्यकर्ताओं के
तरफ से किया गया। इस पोस्टर को पढ़ने के बाद स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी आक्रोश है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को फाड़कर जला दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस आपसी गुटबाजी के द्वंद में पड़ी हुई है। उन्हें डर है कि जितेंद्र तिवारी को यदि टिकट मिल गया तो तृणमूल कांग्रेस 3 लाख से ज्यादा वोटों से हारेगी, इसलिए इस तरीका का भ्रमक पर्चे छपवा कर जितेंद्र तिवारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ऐसा प्रचार करवा रही है। तृणमूल कांग्रेस काल प्रार्थी घोषणा हवार पर तृणमूल कांग्रेस अंदर भीषण गोष्ठीकंदल शुरू आसानसोल अंचले, कारण प्रार्थी बहिरागत एवं कोनो तृणमूल कर्मी एवं साधारण मानुष कोनो बहिरागत प्रार्थी के मेने निच्छे ना। तृणमूल कांग्रेस ये विरोध के चापा देवार जन्नो आमादेर नेता श्री जितेंद्र तिवारी बिरुद्धे विभ्रांतिकर प्रचारे लेगे पड़े नेमेछे। आमरा ए तीव्र प्रतिबाद जानाई। माननीय जितेंद्र तिवारी नामे तारा बांगाली बिहारी विद्वेषमूलक उच्छारो डाकछे, अथच आपनारा सकलेई जानेन তথাকথিত বাঙালির থেকেও অনেক বেশি বাংলা সংস্কৃতির উপর আস্থাশীল আমাদের এই তিওয়ারিজি। আমরা টিএমসিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই, আপনারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে বিনা সন্ত্রাস বিনা ছাপ্পা ভোটে আসানসোল থেকে জিতে দেখান, পারবেন না। আমরা জানি এখানের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর ওপর আস্থা রাখেন, বিজেপির ওপর আস্থা রাখেন, আর আসানসোল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি 3 লক্ষাধিক ভোটে জিতবে, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির চ্যালেঞ্জ। इस आरोप के जवाब में पश्चिम बर्धमान जिला के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के जिताने को लेकर प्रचार अभियान में जुट गए हैं। सभी लोग दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं। कारो यदि कार्यक्रम ना थाके ताले ओसब करे নিজেদের পোস্টারগুলোকে তৃণমূলের নামে চাপানো, এটা আজকের নয়, ওদের বরাবরের স্বভাব আছে। তো সেই স্বভাবটা ওরা ছিল, আমরা আমাদের সাথে মানে এর সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। অলরেডি আমাদের প্রার্থী ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গেছে, আমাদের কর্মীরা সবাই ব্যস্ত এখন দিয়াল লিখন নিয়ে, নিজের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে কার কোথায় পোস্টার পড়েছে এই পড়েছে এটা ডিউটি নয়। ওই জন্য পাণ্ডবেশ্বরে জিতে এসছে, ওই জন্য পাণ্ডবেশ্বরে জিতে চলে এসছে, ভয় আছে। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस ज्वेलरी। हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस ज्वेलरी आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार आसनसोल। जस ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन,
युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी GT रोड आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथोराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI एडवांस स्पोकन इंग्लिश किड्स कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग एंकरिंग न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर भुला भवन वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स आसनसोल 4। भले तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी से ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे संसदीय क्षेत्र में दीवार लेखन कर प्रचार अभियान शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक प्रखंड में बैठक हो रही है। तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी को जिताने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही है। इसी के तहत सोमवार को आसनसोल नगर निगम के भावी उपमेयर अभिजीत घटक ने अपने वार्ड में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर दीवार लेखन कर प्रचार अभियान का शुभारंभ किया है। इस मौके पर अभिजीत घटक ने कहा कि आसनसोल लोकसभा केंद्र से बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। वे काफी उपयुक्त उम्मीदवार हैं। एक दो दिन के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल आ जाएंगे। खूब भालो प्रार्थी हो कारण तार अभिज्ञता आछे आगे MP छिले बहुदिन राजनीतिर साथे जुक्त आछेन तार साथे साथे बॉम्बे सिनेमार जगतेर विख्यात नाम शत्रुघ्न सिन्हा। একটা সময় হিন্দি সিনেমাতে অমিতাভ বচ্চন এবং অন্যান্য যারা নামকরা শিল্পী রয়েছেন তাদের সাথে সমান্তরালভাবে তারা তিনি অভিনয় করে গেছেন। তাই আজকে এরকম একজনকে প্রার্থী পেয়ে আসানসোলের মানুষ খুশি, আমরাও খুশি যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শত্রুঘ্ন সিন্হাকে আসানসোলে প্রার্থী করে পাঠিয়েছেন। কবে তিনি আসানসোলের মাটিতে পা রাখবেন? খুব শীঘ্রই রাখবেন। গতকাল তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং আমাদের আপনার সেই কারণেই ইতিমধ্যেই জেলার কমিটির মিটিং করেছি এবং কয়েকদিনে আজকে ব্লকের মিটিং আছে, আসানসোল নর্থ ব্লকের মিটিং আছে। এর সাথে সাথে আমরা নির্দেশ দিয়েছি প্রত্যেকটা ব্লকের যারা ব্লক প্রেসিডেন্ট আছে তারা নিজের নিজের ব্লকের সভা করে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দেওয়াল লেখন অনেক জায়গায় শুরু হয়ে গেছে, অন্যান্য যে প্রচারের কাজ সেই কাজগুলো আমরা ইতিমধ্যেই অনেক জায়গাতে শুরু করে দিয়েছি। तृणमूल कांग्रेस से निकलने के बाद कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर लगातार तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। उनका मानना है कि जिस तरह नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अत्याचार लूट और रैगिंग की इससे आम जनता बहुत क्षुब्ध है। इसका बदला लोकसभा चुनाव में जनता जरूर लेगी। इसके साथ नगर निगम चुनाव में जो किया गया उसका दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने केस दर्ज करवाई है वह और उनके परिजन और उनके चहेते कभी भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे। यह बयान वे लोगों के ऊपर आसनसोल उत्तर थाना पुलिस के तरफ से FIR दर्ज किया गया था। इसके तारीख में आज आसनसोल अदालत पहुंचे थे। हालांकि इस केस में गुलाम सरोवर समेत 26 लोगों की जमानत हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को क्या चुनौती दी है। हम लोग मैंने तमाम लोग कोर्ट आए हैं जो रूलिंग पार्टी का जो जुल्म था, ये जो आप 25-30 आदमी को जो देख रहे हैं ये तमाम लोग जो है और फिर तृणमूल कांग्रेस के तरफ जाएंगे क्या, या इनकी पूरी फैमिली या इनके जो वेलविशर है ये लोग और कभी तृणमूल कांग्रेस के बारे में सोच सकते हैं क्या? जब जुल्म का इंतहा होता है तो ऐसा ही होता है। अब ये खात्मे का तरफ है, इंतज़ार कीजिए, पूछने का ज़रूरत नहीं है। ये रिकॉर्डिंग आप रख लीजिए, फिर आप इसे मिला लीजिएगा कि तृणमूल कांग्रेस MP इलेक्शन में 2 लाख से ज़्यादा वोट से हारेगी। 2 लाख से ज़्यादा वोट, अगर उससे कम होगा तो हमसे मुलाकात कीजिएगा।
पोलियो, डेंगू, मलेरिया के बाद अब फलेरिया बीमारी को जिला से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसी के तहत पश्चिम बर्धमान जिला में फलेरिया बीमारी को उन्मूल के लिए सोमवार को जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अभियान 14 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। इस बैठक में उप मुख्य जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुराधा देव समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में फलेरिया बीमारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर CMOH डॉक्टर मोहम्मद यूनिस ने कहा कि यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के केवल 5 जिलों में चलाया जा रहा है, बाकी जिला में यह कार्यक्रम समाप्त हो चुकी है। आज के जेटा होलो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जेटा फाइलेरिया दूरीकरण प्रोग्राम मध्य पड़े, তার জন্যে সমস্ত জনগণকে 2 বছরের নিচের বাচ্চা, গর্ভবতী মহিলা এবং যারা গুরুতর অসুস্থ তাদেরকে বাদ দিয়ে সবাইকে এই ওষুধটা খাওয়ানো হবে। তাদের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ডোজ আছে, সেই ডোজে খাওয়ানো হবে যাতে ফাইলেরিয়া রোগটা নির্মূল করা যায়। জেলাতে কোনো এরকম আপনাদের পেশেন্ট আছে কি এরকম কিছু? হ্যাঁ, আমাদের এর আগে মানে এই প্রোগ্রামটা করার আগে আমাদের নাইট ব্লাড সার্ভে বলে একটা প্রোগ্রাম হয়, যেখানে রাত্রিবেলায় বিভিন্ন এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের রক্ত নেওয়া হয়, নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা গেছে যে আমাদের জেলাতে এই রোগটার ট্রান্সমিশন চলছে, তারপর বিশেষ করে আমাদের পিথাইকেরি, বারাবণী এইসব জায়গাগুলোতে একটু বেশি পরিমাণেই পাওয়া গেছে। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 8436000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए।
डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक अरुण प्रसाद ने जिला शासक कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें अतिरिक्त जिला शासक अभिजीत सेवाले के अलावा विभिन्न विभाग के पदाधिकारी और तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, माकपा, भाकपा, आरएसपी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस मौके पर जिला शासक एस अरुण प्रसाद ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा कि आज की बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने पर राजनीतिक दलों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी विस्तृत जानकारी दे दी जाए। इसके अलावा सभी अधिकारियों से परिचय करा दी जाए ताकि मीटिंग, रैली का अनुमति लेने या खर्च संबंधी जानकारी लेने के लिए किस अधिकारी के पास जाना है, इनसे सभी दल परिचित हो जाए। इसके अलावा जिला शासक ने कहा कि चूंकि वर्तमान में परीक्षा चल रही है, परीक्षा के दौरान माइक का अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, मतलब क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर हमने पॉलिटिकल पार्टीज को एक सेंसिटाइज किया। उनको बोल दिया गया कि एक्सपेंडिचर का कितना लिमिटेशन रहेगा, परमिशन के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी कंप्लेंट रहेगा तो फिर कहाँ कंप्लेंट को भेजना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं इलेक्शन को लेकर, उनको सब एक्सप्लेन कर दिया गया। और उसके साथ साथ जहाँ कितने पोलिंग स्टेशन रहेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, और इलेक्टर रोल में अगर फॉर्म 6 देकर अगर किसी को नाम ऐड करना है तो उसके बारे में भी पॉलिटिकल पार्टीज को सेंसिटाइज किया गया, करा गया। और हम आशा करते हैं, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ये जो लोकशाही का एक महोत्सव है, हम बढ़िया से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन करके कर पाएंगे। आसनसोल नगर निगम बोर्ड का गठन लगभग एक पखवाड़े से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पूर्व कमेटी का गठन नहीं हुआ, यानी अभी तक मेयर, परिषद सदस्य और बोरो चेयरमैन नहीं बनाए गए, जिसको लेकर बोर्ड की समस्या ज्यों की त्यों पड़ी है। लेकिन जनता अपनी समस्याओं को लेकर नवनिर्वाचित पार्षदों के पास जा रही है। कई ऐसे पार्षद हैं जो पहली बार चुने गए हैं। वार्ड की समस्या को निदान करने के लिए वे मेयर से मुलाकात कर रहे हैं और वार्ड की समस्या का निदान करने का गुहार लगा रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को 43 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद अमला खातून मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें पुष्प पुंज देकर सम्मानित किया। मेयर से मुलाकात करने के बाद पार्षद अमला खातून ने कहा कि उनके वार्ड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए आज मेयर विधान उपाध्याय से मिली। मेयर से मिलने के लिए हम आए थे उनका इस्तेमाल करने के लिए, और उनसे पानी की जो समस्या लेके है वो उसके लिए बात की है सर से, और सर ने भी बोले कि उसके लिए हम जरूर आप लोगों के साथ रहेंगे, इससे पहले हम इसको ध्यान रखेंगे। आपके वार्ड में देखा गया कि पहले भी पानी की समस्या है जी? पानी के लिए समस्या बहुत है, इसीलिए हम लोग पहले, सबसे पहले पानी की जो समस्या है उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी मेयर से ही बात हुई कि सर पहले पानी की जो है सर परेशानी है, ये त्यौहार जो आने वाली उससे पहले आप इस चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें सर। सर बोले हैं कि इसे हम जरूर ध्यान में रखेंगे, ऐसे जरूर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ 42 नंबर वार्ड के पार्षद डॉक्टर अमिताभ बसु भी मेयर विधान उपाध्याय से मिले और होली के अवसर पर वार्ड में सफाई और सैनिटाइजेशन करवाने की मांग की। इस दौरान अमिताभ बसु ने बताया कि होली के अवसर पर उनके वार्ड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन सफाई कर्मियों की अनियमितता कार्य करने के कारण सफाई कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है। बड़ प्रोग्राम है इनविटेशन दीते আমাদের একটা সকাল থেকে প্রভাত ফেরি এবং ওখানকার যে বাচ্চারা আছে তারা প্রচুর কালচারাল প্রোগ্রাম করেন, খুব বড় প্রোগ্রাম হয়, সেটা ইনভিটেশন দিতে এসেছিলাম। আর যেটা সমস্যা হচ্ছে যে স্যানিটেশন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, স্যানিটেশনের লোক শর্টেজ আছে, অনেক যারা কাজ করে তারা অনেকে ইররেগুলার ঠিকমতো কাজ করতে আসছে না, তার জন্য কী হচ্ছে যে আমাদের ওয়ার্ডের যারা বাসিন্দারা আছেন তাদের যে স্যানিটেশনের যে সার্ভিসটা, যে সার্ভিসটা ঠিকমতো দিতে পারছি না আমরা, সেটা একটা সমস্যা হচ্ছে, সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা হলো। তা উনি বললেন যে এখন তো লোকসভা ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, আমরা ইমিডিয়েটলি এটা নিয়ে বসবো, এবং আমি অলরেডি সাবস্টিটিউট
বিভিন্ন মানুষের লোক যারা করতে ইচ্ছা আছে, যারা নিয়মিত কাজ করবে, যারা মানে কামাই করবে না, সেরকম লিস্ট আমি তৈরি করে এনেছি। তো আমি লিস্টটা আমি দিলাম ওনাদেরকে, উনি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিলেন, বললেন আমরা ইমিডিয়েটলি এটা নিয়ে ব্যবস্থা করবো এবং যাতে সাফিসিয়েন্ট লোক পাওয়া যায়। এবং আমাদের এখানে ডোর টু ডোর গার্বেজ কালেকশন যেটা আমাদের বলা ছিল ভোটের আগে থেকে, সেটাও যাতে তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেই নিয়ে আমাদের কাজ করবেন। आसनसोल नगर निगम के नए बोर्ड के गठन होने के बाद से मेयर, घोषित उप मेयर और चेयरमैन को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। प्रत्येक दिन किसी न किसी संस्था के द्वारा सम्मानित करने का दौर जारी है। सम्मानित करने के साथ लोग अपनी समस्याओं को भी मेयर के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को आसनसोल उत्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस प्रतिनिधि मंडल में मनदीप सिंह लाली, संस्था के सचिव मनोज भास्कर, देवाशीष सिंह, कपिल देव प्रसाद महतो, संयुक्त सचिव रंजीत सिंह, रामावतार अग्रवाल आदि शामिल थे। मेयर से मुलाकात करने के बाद सचिव मनोज भास्कर ने आशा व्यक्त की कि मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम में काफी तेज गति से विकास होगा। आसनसोल नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरा टीम के तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित करने का आज प्रोग्राम किया है और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रस्ताव जो है मेयर साहब को हम लोग ने दिया है। जो भी सहयोगिता का सहयोग का जरूरत पड़ेगा या हम उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी या उनको हमारा सहयोग का जो जरूरत पड़ेगा हम उन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। नियामतपुर वासियों द्वारा ठाकुरबाड़ी प्रांगण से नियामतपुर श्याम मंदिर तक एक निशान यात्रा निकाला गया जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मंदिर कमेटी के लोगों ने बताया कि हर साल फागुन के 11 में यह शोभा यात्रा निकाली जाती है जो श्री कृष्ण के स्वरूप श्याम बाबा की जयकारा लगाते हुए मंदिर परिसर पहुंचते हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, पीएसजे टीवीएस, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, ली बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट,